जानते हो परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जानते हो चंगाइयां होती है, भविष्यवाणियां होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो इंसान पहला इंसान आदम वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता, फिर हवा बनाई गई, उसके बाद जमाना बढ़ता गया, परमेश्वर से इंसान खुद ही दूर होता गया। और परमेश्वर कहाँ है देखिए, भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग में है। एक बात सुनिए, आपने देखा है चीफ मिनिस्टर, नाम सुना है कभी, सुना है मुख्यमंत्री? अरे आप तो बहुत समझदार लोगे, मुझे लगा कि मुझे बताना पड़ेगा मुख्यमंत्री कौन होता है। एक मुख्यमंत्री हमारे स्टेट का, हमारा जो राज्य है, हमारा स्टेट है, वो मुख्यमंत्री के अंडर में है, लेकिन जो राजधानी है वहां पे एक ऑफिस है, मुख्यमंत्री वहीं बैठते हैं। जो ऑफिस है मुख्यमंत्री कार्यालय वो वहीं बैठते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट है, उनका अधिकार हमारे हमारी जगह में भी है और हम भी मानते हैं। ये पूरे देश में प्रेसिडेंट का, हमारे राष्ट्रपति का, हमारे प्रधानमंत्री का शासन है और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम उनके कार्य क्षेत्र में है, लेकिन कोई एक जगह तो ऐसी है जहां वो प्रतिदिन बैठते हैं। अगर आपको आपको आप में से कोई कोई चाहता है प्रधानमंत्री से मिलना, लगाओ भी फोन, आते कि नहीं आते? चलो ठीक है, अपने अपने जिले के कलेक्टर को लगाना और बोलना मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप हमारे घर पे आइए। आपको पता है लोग क्या बोलेंगे, मूर्ख है ये। आपको अगर मिलना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, आपके नौकर नहीं बैठे हैं। और अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी तब बताएंगे जब 12:45 से 55 के बीच का टाइम दिया है, वहां खड़े हो तो मिल लेना। 55 का अगर 56 भी हो गया, जाओ वापस, आना फिर 6 महीने बाद। हम लोग कौन है? हम लोग इंसान है। किसी बड़े अरबपति से मिलना चाहते हो तो फोन लगाना कि सर मिलना है, पहले तो पैसे का देखेगा, उसको फायदा होगा तो पीए को बोल देगा, और वो भी करोड़ों में होना चाहिए, तो ही आपसे मिलना मांगेगा, वरना नहीं मिलने वाला वो। वैसे ही परमेश्वर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हो, आपको खुद जाना पड़ेगा, लेकिन अब परमेश्वर से मिलने की जब बारी आती है तो क्या होता है देखिए, परमेश्वर कहां है, स्वर्ग में है। जैसे एक एक मिनिस्टर का, एक बड़े अधिकारी का एक स्थान होता है, वो वहां पर बैठता है, आपको काम करवाने के लिए वहां जाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहां है, वो तो स्वर्ग में है, और वो भी सबसे ऊंचे स्वर्ग में। बता दो कोई मशीन जिससे पहुंच पाओगे वहां, चांद तक पहुंचने में तो कई बार असफल हुए हम, मार्स तक पहुंचने में कई बार असफल हुए हम स्वर्ग जाएंगे? आपको क्या लगता है? करोड़ों साल वो तो अदृश्य है, उस जगत में आप देख नहीं पा रहे हो, आप जाओगे कैसे? आपके खुद के जाने के लिए असंभव है। आपको यदि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना हो, बाय चांस कोई बड़े व्यक्ति हो, आप मान लिया कि कोई हो आप, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी,
साल डेढ़ साल ढाई साल, उसके बाद वहां जाके उस जगह उस कमरे में मिल पाओगे जहां वो अनुमति देंगे। और परमेश्वर स्वर्ग में है, वो तो असीमित है। क्या लिखा है? असीमित परमेश्वर जो स्वर्ग में है, और लिखा है कि वो तो आकाश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाता है। ये आकाश ये नहीं, हेलीकॉप्टर वाला आकाश नहीं, वो जो रात में दिखाई देता है, करोड़ों अरबों खरबों तारे जिसमें आप देखते हो उसमें परमेश्वर चक्कर लगाते हैं। अब जानते हो आपके मिलने की इच्छा है परमेश्वर से, परमेश्वर खुद आपके पास आते हैं। जिसने इस दुनिया को बनाया, इसने पूरी कायनात को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, हमको बनाने वाला वो असीमित परमेश्वर। असीमित का समझते हो? जिसका साइड साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, वो बहुत सामर्थी है, वो विशाल है। जब उनकी उनको आपसे मिलना था तो उन्होंने अपने आप को सीमित करा। लिखा है वो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया। उन्होंने अपनी सामर्थ को सीमित दायरे में लाए, और जब अपनी सामर्थ को सीमित दायरे में लाए तो एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर वो आ गए। और जब आ गए तो आपने उन्हें ना पहचाना। आदम परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था, आदम और हवा, मूसा ने बात करी। कई लोगों ने परमेश्वर से डायरेक्ट उनके अभिषेक के थ्रू बात करी, उनकी अनॉइंटिंग के थ्रू बात करी, लेकिन परमेश्वर का इंटरेस्ट है हर एक व्यक्ति में। वो हर एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया जिनका नाम था यीशु, और वो त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ इस पृथ्वी पर काम करने लगी। जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है, वो है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब गहरी उपस्थिति होती है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है, गहराई से काम करता है, और वो जो गहराई के काम होते हैं उसमें आप उसकी मौजूदगी को महसूस करते हो। यहां लिखा है यूहन्ना अध्याय 1:9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जानते हो परमेश्वर ने ये सब सृष्टि कैसे बनाई है? अपने वचनों के द्वारा। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा यीशु के बारे में, और अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो यीशु आपको परमेश्वर दिखाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यीशु ने ही पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं किस प्रकार से वो लोगों को चंगाई देते थे, किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं भागती थी, किस प्रकार से वो मारे गए, गाड़े गए और वो फिर जी उठे। बाइबल में एक जगह बताया गया है मसीह हमारा आदर्श। वहां लिखा है कि मेरी सी चाल चलो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। जानते हो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम सबका न्याय होगा, हम सबको न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। वहां पता चलेगा हम कितने बड़े धर्मी हैं, कितने बड़े भक्त हैं,
किसको उद्धार की जरूरत है किसको नहीं है, और वो न्याय आसन पर कौन बैठा होगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उस न्याय आसन को कमाया है। उनको पिता परमेश्वर की ओर से ऐसे ही गिफ्ट में नहीं दे दिया, यीशु मेरे बेटे ये ले न्याय आसन, तू जगत के लोगों का न्याय करना। सपोज करो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आते, सबकी सब पाप में पड़े हुए होते, सिर्फ परमेश्वर के नबी दर्शी भविष्यद्वक्ता यहां होते, उसके बाद भी हम नहीं सुधर रहे थे। इमेजिन करो यीशु मसीह अगर नहीं आए होते और उसके बाद जब इस जगत का अंत होता, हम सब की सब न्याय आसन के सामने खड़े होते, और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिया, बिल्कुल हमारी तरह। यीशु मसीह का जन्म कोई बड़े सारे महल में नहीं हुआ था, वो तो मजूसी घुस गए थे दिमाग लगा के कि हेरोदेस के महल में होगा। बाद में पता चला वो तो चरनी में जन्मा है, एक गरीब घर में पला बड़ा है, बढ़ाई का काम करा है, कारपेंटरी करी है, उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में अपनी सेवा को शुरू करा। एक गरीब घर में यीशु मसीह पले बड़े, बपतिस्मा लिया आपकी ही तरह जैसा हमें लेना चाहिए। यूहन्ना ने बोला प्रभु मुझे तो आपके हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु ने कहा हमें सारी व्यवस्था को ऐसे ही पूरी करना है। वो 40 दिन के उपवास रखे, आप भी रखते हो, जंगल में जाओ ना जाओ, आज जंगल में जाता है पता है इंसान क्या करता है, पहले मोबाइल निकालता है, ठिचिक ठिचिक करता है, फिर उसको अपलोड करेगा, और नेटवर्क नहीं हुआ तो वो भी टेंशन। जब 40 दिन की परीक्षा से वो गुजरे, आज भी लोग उस परीक्षा से होकर के कुछ गुजरते हैं, लेवल वैसा नहीं होता। जब वो परीक्षा से होकर के गुजरे, सामर्थी सेवा उन्होंने करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर का वचन, उस वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। अब सपोज करो, ये वैसे गलत होगा पर इमेजिन करो, मान लो कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया, इमेजिनेशन मानो, परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी पीढ़ी आई, मूसा नबी आए, सब आए, सब ने सुधार की बात करी, सारे नबी आए, दर्शी आए, सारी भविष्यवाणी करी, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया, अभी यीशु मसीह अब्सेंट है। और उसके बाद ऐसा होता है कि अंत में न्याय होता है, और आप वहां एक व्यक्ति को देखते हो जो न्याय आसन पे बैठा हुआ है, वो आपका न्याय करेगा। तो जब वो न्याय करेगा, जब यीशु मसीह न्याय करेंगे, तो पता है एक व्यक्ति वहां सामने जाके बोलेगा, प्रभु आप तो स्वर्ग में थे, आप स्वर्ग से उतर के आए हो, वो राजगद्दी पे बैठ गए हो, आप कभी हमारी तरह जीवन जिए थे क्या जो हमारी तरह न्याय करने आ गए हो? आपको पता है इंसानों का जीवन कितना कष्ट में होता है? हम लोगों का विवाहित जीवन होता है, हम लोगों का बचपने का जीवन होता है, हम इंसान लोग ना बूढ़े होते हैं, आप कभी आए थे क्या इस पृथ्वी पर और आप हमारा न्याय कर रहे हो? परमेश्वर को हमारे मूर्खतापूर्ण वाले सवाल भी पता है। कल को कोई हमारे जैसा मेरे जैसा तुच्छ मनुष्य सवाल ना खड़े कर पाए, इसीलिए सबसे लीस्ट काउंट पे यीशु मसीह आए, सबसे लीस्ट काउंट पे, बिल्कुल वहां, और वहां से आपको दिखा दिया कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि कल को ये ना बोले वो तो स्वर्ग में बैठे थे और वहां से अपने लोगों को बोल दिया ऐसा ऐसा ऐसा, जरा आके हमको दिखा दे कि कैसा। तो ये लो, वो आपके लिए आए, आपके बीच में रहे,
जैसा जीवन आपको जीना चाहिए वैसा जीवन जिए। तो उनको कोई गिफ्ट में, उपहार में न्याय आसन नहीं मिला है, उन्होंने उसको कमा लिया।